अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी रूबी मिर्ज़ा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है फिट फाट होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। इससे पहले कि हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करें, प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को तो ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी मज़े की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज मैं क्या बना रही हूँ? आज हम बना रहे हैं मुंगरे गोश्त। कैसे बनते हैं, उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें चाहिए मुंगरे 1 किलो। ये देखिए, हमने मुंगरे साफ़ कर लिए हैं और उसे दरमियान से ऐसे तोड़ दिया था ताकि गलने में आसानी हो। 1 किलो मुंगरे लिए हैं, 1 किलो चिकन लिया है, आप मटन भी ले सकते हैं। 1 कप के करीब पालक ली है। पालक इसे ली है कि इससे तो एक मुंगरे आसानी से गलते हैं, दूसरा इसका टेस्ट अच्छा होता है। 1 अदद छोटी प्याज ली है, 3 अदद टमाटर लिए हैं जो कि बड़े साइज के थे, अगर छोटे हों तो आप 4 ले सकते हैं। दही 1 कप ले लें, 1 कप ऑयल ले लें, 1 खाने का चम्मच लहसुन और 2 खाने का चम्मच अदरक ले लें, 5 से 6 अदद हरी मिर्च ले लें, आप काट के भी ले सकते हैं, मैं सालिम ले रही हूँ। नमक 1 से 1.5 खाने का चम्मच, 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच हल्दी, 2 खाने के चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ। एक कुकर लेकर अब हम उसमें 1 कप ऑयल लेंगे। जैसे ही ऑयल गरम होगा फिर हम इसमें प्याज डाल देंगे। ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज हम अपनी लाइट ब्राउन करेंगे। जैसे ही हमारी प्याज ब्राउन होगी फिर हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। साथ ही टमाटर डाल देंगे। अच्छे से हमारे प्याज गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, ब्लैक नहीं करना इसे। नमक भी डाल देंगे ताकि हमारे टमाटर जल्दी गल जाए। थोड़ा सा इसे भुनेंगे 1-2 मिनट। अब इसमें लाल मिर्च भी डाल देंगे और हल्दी भी डाल देंगे। मज़ीद इसे भुनेंगे ताकि हमारी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। हल्दी डालने से कैसे खूबसूरत कलर आ गया है। टमाटर भी गलना स्टार्ट हो गए हैं। 1-2 मिनट भून कर फिर गोश्त डाल देंगे, फिर उसकी भुनाई करेंगे। अब इसमें चिकन डाल देंगे। इसको भी भूनेंगे। अब अच्छे से भूनेंगे ताकि गोश्त की स्मेल ना आए। इसे अच्छे से भूनने के बाद अब हम इसमें मुंगरे डालेंगे। इसे भूनने के बाद अब मैंने इसमें मुंगरे डाल दिए हैं। पानी लगाऊंगी। कुकर में गला रही हूँ तो थोड़ा पानी का ख्याल रखूंगी क्योंकि चिकन है, जल्दी गल जाता है। और पालक डाल लेंगे इसमें। मुंगरे अपना भी पानी निकालते हैं तो पानी का खास ख्याल रखिएगा। अब ये 7 से 8 मिनट के लिए मैं कुकर का ढक्कन लगा रही हूँ ताकि मुंगरे भी गल जाएं, गोश्त भी गल जाए। ये देखें, मैंने इसे कढ़ाई में निकाल लिया है और हमारा पानी भी ड्राई हो गया है। पानी मैंने बहुत ही कम डाला था, चिकन है, चिकन जल्दी गलता है।
अब इसमें मैं दही दही डालूंगी और दही का पानी खुश्क करेंगे, एहतियात से हिलाएंगे ताकि गले नहीं, हमारे टूटे नहीं मुंगरे। इसका पानी अब ड्राई करेंगे। अब इसमें मैं आधा चम्मच और डाल रही हूँ नमक। नमक कम लगा था मुझे, साथ ही ये हम हरी मिर्च डाल देंगे ताकि ये भी थोड़ी सी गल जाए, और ये सूखा धनिया। इससे ये होगा कि भुनाई के वक्त घी का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारा घी कितना है, और डालने की ज़रूरत तो नहीं है। एहतियात से इसे पकाएंगे ताकि टूटे नहीं, इसका पानी ड्राई होने देंगे। अब हमारा पानी ड्राई हो गया है, इसमें हम गरम मसाला डालेंगे और ये हमारा रेडी हो गया तकरीबन। अब इसे बंद कर देंगे। हमारे मुंगरे गोश्त रेडी हो गए हैं। इसे ट्राई कीजिएगा ज़रूर, और मुझे ट्राई करके बताइएगा कि कैसे बने हैं, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आपको कोई फरमाइश करनी हो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं आपके लिए नई वीडियो लेकर आऊँ, आपकी फरमाइश पूरी करूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।